हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ MIUI 12 के एक्समोज OS के 20.8.6 पोर्ट रोम के बारे में, जो कि एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम है रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। तो यहाँ पे हमें इस अपडेट में काफ़ी सारी चेंजेस आपको देखने को मिल जाती है प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले, जो कि इसका प्रीवियस बिल्ड आया था 20.7.9, अगर मुझे याद है तो 9 ही आया था लास्ट जो कि मैं वीडियो बनाया था, उसके बाद फिलहाल देखने को नहीं मिला था। और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे इसका अपडेट आया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, गेम प्ले भी काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले चलते हैं माय डिवाइस के अंदर, तो यहाँ पे डिवाइस नेम जो है आप फिलहाल चेंज कर लेना यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी पैच अगस्त के देखने को मिल जाती है, 5 अगस्त की, जबकि प्रीवियस बिल्ड में हमें यहाँ पे जुलाई की देखने को मिलती थी। तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, बाकी वर्जन जो है MIUI 12 का एक्समोज OS 20.8.6 बीटा हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और कर्नल की बात करें तो यहाँ पे जो है अग्नि का 9.5 यहाँ पे न्यू कैम वाला कर्नल देखने को मिल जाता है, और जबकि प्रीवियस बिल्ड में हमें एक्सटेंडेड का कर्नल देखने को मिलता था। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेटस बार की, तो यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है, तो कंट्रोल सेंटर हमारा काफ़ी स्मूथ है, पहले के मुकाबले तो आपको अच्छा ही देखने को मिलता है यहाँ पे फिलहाल। एंड यहाँ पे हमारा जो न्यू व्यू है कंट्रोल सेंटर का, वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और किसी भी एंगल पे आप उसको रोटेट कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल हो गया हमारा, पावर मेन्यू हो गया, बिल्कुल सेम है प्रीवियस बिल्ड जैसा। बाकी रीसेंट की अगर हम बात करें तो रैम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस बिल्ड जैसा है फिलहाल, मुझे इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले रैम मैनेजमेंट, बस हल्का सा 100 MB के करीब जो है आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है 100 MB। बाकी यहाँ पे कॉलिंग हमारी बिल्कुल इसी तरीके से हो रही, वीडियो कॉलिंग भी हो रही है, एंड यहाँ पे जो वॉइस कॉलिंग के रिलेटेड आपको वॉल्यूम का जो इश्यूज देखने को मिलता है वो फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे हम बात करें गैलरी लेटेस्ट है हमारी, फिल्टर्स एंड स्काई मिल जाता है सारे, एंड प्ले स्टोर हमारा नोट सर्टिफाइड है जैसे कि आप देख सकते हो, उसके लिए रूट करके आप सर्टिफाइड कर पाओगे। बाकी टूल्स के अंदर चलते हैं, FM हमारा बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है, और अगर हम चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स में तो यहाँ पे हमें इस 60 FPS तक मिल जाता है। एंड बात करते हैं कैमरे की, तो यहाँ पे जो है कैमरे में आपको AI का प्रीवियस बिल्ड में देखने को मिलता था ऑप्शन, जो कि अभी देखने को हमें नहीं मिलता है। एंड हमारा पोर्ट्रेट मोड बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है वाटर मार्क के साथ। और यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में, तो वीडियो क्वालिटी जो है 1080 60 FPS एंड 4K 30 FPS देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे हमारा GCam जो है 7.4 बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो इसका आप यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ये जो है हमारा बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है। और यहाँ पे एक अनइंस्टॉल एनिमेशन जो कि देखने को मिलता है, अभी फिलहाल कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे कि हम अनइंस्टॉल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, आप देख सकते हो जैसे झटके लग रहे बगल वाले एप्लीकेशन को, इसको अनइंस्टॉल करते तो बगल वाले एनिमेशन आप देख सकते हो उसके एनिमेशन जो है हिलता हुआ बिल्कुल झटके जैसे लग रहे हैं, इस तरीके से आपको आप देखने को मिलता है यहाँ पे, तो काफ़ी अलग है और ज़्यादा दूर तक नहीं देखने को मिलता, शुरू वाले किया था तो काफ़ी लास्ट तक गया था, तो उसका जो रेंज है इस तरीके से, तो इसके रेंज में जो है ये होता है, ये काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब बैंड है पहले देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे जो है 4K तक आप प्ले कर पाओगे, ये चीज़ ऐड कर दिया गया है अभी फिलहाल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4K 2K 1080 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो 4K तक जो है यहाँ पे वीडियो आप प्ले कर पाओगे। तो मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो 4K का जो है वीडियो प्ले अभी फिलहाल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे कि मैं दिखा दूँ यहाँ पे रोटेट करके, तो आप यहाँ पे क्वालिटी भी देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त जो कि 4K में देखने को मिलती है, तो 4K 60 FPS जो है बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो YouTube बैंड में जो है फिलहाल ऐड कर दिया गया 4K 60 FPS तक जो कि। और यहाँ पे हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर में भी एनिमेशन थोड़ा बहुत आपको अच्छा मिलने वाला है अभी फिलहाल, जैसे कि कोई इवेंट्स आता है उस पर भी आप क्लिक करते हो, जो ब्लर है ब्लर में एनिमेशन मिलता है, ब्लर भी उसका जो है काफ़ी एनिमेशन के साथ जो है देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि बैकग्राउंड में ब्लर होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं। बैंकिंग ऐप की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा GPA जो है काम नहीं कर रहा, उसके लिए आपको रूट करना पड़ेगा, कुछ बैंकिंग ऐप काम करते कुछ नहीं करते हैं, तो रूट करके मैजिक मैनेजर से हाइड करके रीनेम करके जो है आप बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर पाओगे। बाकी सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, तो कास्ट जो है हमारा बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा, थोड़ा टाइम लगा कनेक्ट करने में लेकिन ये जो है वर्किंग है। और यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं, तो प्रीवियस बिल्ड में हमें यहाँ पे जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता था, जो कि अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता, और डबल टैप मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमारा जो है क्लॉक फॉर्मेट एंड चार्जिंग एनिमेशन, नीचे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, सारी चीज़ें सेम है। एंड डिस्प्ले के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे जो है कलर इशू देखने को मिलता था वो फिक्स फिलहाल हो चुका है यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करें, तो ये जो है अग्नि के डेप ने यहाँ पे फिक्स करा दिया, आखिरकार अग्नि के जो कर्नल है उसमें फिक्स हो चुका है।
बाकी यहाँ पे जो है हमारा डार्क कोड मिल जाता है एंड नीचे आपको सिस्टम एनिमेशन मिलने वाला है। कंट्रोल सेंटर की सेटिंग्स के अंदर अगर आप चलते हो तो यहाँ फिलहाल डिफॉल्ट आपका जो है एम आई वो 11 वाला देखने को मिलने वाला, तो उसको आप इनेबल कर लेना कंट्रोल सेंटर को न्यू वाले को। बाकी सारी सेटिंग्स आपको जो है सेम ही मिलने वाली है, कोई चेंजेस नहीं यहाँ पर फिलहाल हमें, कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी साउंड के अंदर अगर आप चलते हो तो साउंड के अंदर भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता जैसा पहले हमें देखने को मिलता था, सेम बिल्कुल है। म्यूजिक मैनेजमेंट एंड एडिशनल सेटिंग्स हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है सेम मिलती थी। होम स्क्रीन के अंदर चलते हैं तो क्लासिक भी एड ड्रॉअर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सर्च बार जो है अभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे प्रीवियस बिल्ड में देखने को मिलता था क्लिक करने पे चेंज नहीं कर पाते थे, डिफॉल्ट जो है वही तो आपको उसी तरीके से मिलने वाला। बाकी वॉलपेपर का जो यहाँ पे व्यू देखने को मिलता था पहले अलग देखने को मिलता था, लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन का अलग अलग देखने को मिलता था, अभी फिलहाल यहाँ पे व्यू चेंज हो चुका है इसमें। और यहाँ पे आपको सिस्टम वॉलपेपर जो है देखने को ये कुछ मिल जाते हैं। बाकी नीचे आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी वॉलपेपर देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे सुपर वॉलपेपर जो दिया गया है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो एपीके हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, तो ये जो है आपका बिल्कुल आप यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पे हमारे थीम्स के अंदर चलते तो थीम आपको ये कुछ देखने को मिलने वाले, डिफॉल्ट और थीम स्टोर जो है हमारा यहाँ पे इंग्लिश में ही है। बाकी थीम सेटिंग्स के अंदर फॉन्ट हमारा फिक्स है, बाकी सारी सेटिंग्स भी आपको सेम ही मिलती है, तो वहाँ पे भी कोई चेंजेस हमें माई अकाउंट के अंदर भी जो है चेंजेस नहीं मिलता है। बाकी फिंगरप्रिंट में हमें फिलहाल इनमें तो कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं मिलता है, फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सारी चीज़ें अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी बैटरी के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे फिलहाल पहले हमें अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, जो कि अभी ऐड कर दिया गया था, ये आपको देखने को मिलने वाला इस अपडेट में, और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ऐप्स की अगर हम बात करते हैं डुअल ऐप वर्किंग है यहाँ पे हमारा। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें इस बिल्ड में हमें जो लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलती है तो ये सारी लैंग्वेज हैं जो कि आपको मिल जाती हैं लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी सारी हैं फिलहाल। इंडोनेशियन शायद में भी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। बाकी यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसका एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है फिलहाल, अभी तो लैगिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा स्वाइप अप वाला गूगल असिस्टेंट है तो आप गूगल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना एक बार, तो ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम करने लग जाएगा यहाँ पे, तो फिलहाल आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी ये जो गूगल असिस्टेंट है स्वाइप अप करने पे। अभी देख सकते हो एक्टिवेट नहीं हो रहा क्योंकि गूगल वाला जो ऐप मेन होता है गूगल ही, वो आप सर्च कर लेना गूगल और गूगल आ जाएगा ऐप, तो उसको इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद जो है वर्किंग हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हम बटन्स की अगर हम बात करते हैं तो बटन्स पे हम देख सकते हो बिल्कुल एनिमेशन काफ़ी स्मूथ मिल जाता है, तो इसमें फिलहाल आपको कोई दिक्कत देखने को मिलती है। और साथ साथ मिरर बटन्स भी मिल जाता है ऑप्शन, तो ये चीज़ें जो है हमारी बिल्कुल इस तरीके से काम करी। जेस्चर में फिलहाल दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट वर्किंग है, क्विक बॉल 100 मोड, एसेसिबिलिटी जो पहले की क्रैश करता था ऐसा कुछ इश्यूज देखने को मिलता था वो जो है फिक्स है बिल्कुल इस तरीके से। डेवलपर ऑप्शन आपको एम आई यू आई पे टैप करके जो है इनेबल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे हमारा जो है स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाता है फोकस मोड के साथ। बाकी स्पेशल फीचर्स के अंदर हमारा जो गेम टर्बो है प्रीवियस बिल्ड वाला ही है, जैसे कि एडिशनल सेटिंग हमें देखने को मिलती थी, तो वही सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे जो है एक्सट्रीम विजुअल ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाता है, तो इन्हेंसमेंट जो कि आपको इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है विजुअल, एंड बाकी नॉर्मली सेटिंग्स हमें मिलने वाली है। और यहाँ पे जो इसका बूट लोगो है चेंज हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो अवेंजर का देखने को मिलने वाला, और साथ साथ बूट एनिमेशन जो है वो भी अवेंजर का आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त बूट एनिमेशन भी मिल जाता है। बाकी एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 149216 हमें यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे गेम टर्बो के गेम के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे विजुअल एनहेंसमेंट चेंज करने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं ग्राफिक की, तो अग्नि का कर्नल है तो आपको यहाँ पे HD का सपोर्ट फिलहाल तो मिल जाता है, HDR का सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्मूथ पे खेलते हो तो 90 FPS तक शो होता है आपका, 90 FPS जो है वर्क नहीं करता लेकिन शो होता है यहाँ पे देखने के लिए तो मिल जाता है। बाकी आपका एक्सट्रीम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है यहाँ पे, तो 90 FPS पे ही आपका जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सट्रीम जो है काम कर रहा है 60 FPS का यहाँ पे। तो जैसे कि FPS तो फिलहाल यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वही 50+ ही FPS आपको काफ़ी अच्छी जो है मिल रही है यहाँ पे, 60 भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप पबजी जो है काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलने वाला है फिलहाल। अग्नि का जो ये बिल्ड है यहाँ पे 9.5 वाला काफ़ी ज़बरदस्त है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाले थे, जैसे कि गेम प्ले भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और कोई भी लैगिंग फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है कहीं पे भी, कितना भी आप देख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रहा फिलहाल। तो काफ़ी इसी तरीके से जो है गेम प्ले भी आप कर पाओगे, और ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, और साथ साथ ऑलरेडी जो है वीडियोस आ चुकी हैं और भी जो है आगे वीडियोस आती रहेंगी कर्नल के साथ, तो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनिमेशन जो भी है यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा, और काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली गेमिंग में भी,
तो MIUI के जो पोर्ट रोम्स हैं तो अभी आपको अब धीरे धीरे उनमें परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाली पबजी के लिए भी, तो आप पबजी जो है MIUI पे बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल सकते हो यहाँ पे अग्नि के कर्नल के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो अग्नि का जो पावर है यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त देखने को हमें मिलता है, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी ओपी जो है मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ थी यहाँ पे। और रोम इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जैसे कि आप रोम बाकी इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से इंस्टॉल करना है। रिकवरी में जाना है, सिंपली डॉल्विक सिस्टम डेटा वेंडर कैच इन पांचों को जो है वाइप कर लेना है, रोम फ्लश करके डायरेक्ट रिबूट कर लेना है सिंपली, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और अगर आपको जो भी पूछना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस यही सारी चीज़ थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।